सौम्य स्वभाव और शहद के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। वह अक्सर मीठे छत्ते की तलाश में जंगल में घूमता रहता था। उसी जंगल में बेला नाम की एक मेहनती मधुमक्खी रहती थी। बेला की अन्य सभी मधुमक्खियों द्वारा रस इकट्ठा करने और पूरे जंगल में सबसे स्वादिष्ट शहद बनाने के समर्पण की प्रशंसा की गई। एक धूप वाले दिन ब्रूनो की नजर एक ऊंचे पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। शहद की सुगंध अप्रतिरोध्य थी और वह इसे चखने के प्रलोभन को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने छत्ते को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, संरक्षक मधुमक्खी बेला अपने छत्ते की रक्षा के लिए उड़ गई। रुको, वह हमारा शहद है और तुम इसे नहीं ले सकते, बेला ने अपनी बहुमूल्य रचना की रक्षा करने की कोशिश करते हुए कहा। बेला की बहादुरी से आश्चर्यचकित ब्रूनो रुका और उसकी ओर प्रशंसा से देखा। मुझे खेद है, मेरा इरादा कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मुझे सिर्फ शहद पसंद है और मैं इसकी गंध का विरोध नहीं कर सका, उन्होंने समझाया। बेला हालांकि सतर्क थी, उसने ब्रूनो की आवाज में ईमानदारी को महसूस किया। उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया। यदि आप हमारे छत्ते को नुकसान न पहुंचाने का वादा करें, तो मैं आपके साथ कुछ शहद बांट सकती हूं, उसने पेशकश की। ब्रूनो ने उत्सुकता से सिर हिलाया और छत्ते के आसपास सावधान रहने का वादा किया। बेला वापस छत्ते में चली गई और शहद का एक छोटा जार लेकर लौटी, जिसे उसने ब्रूनो को सौंप दिया। धन्यवाद बेला, ये शहद स्वादिष्ट है। मैं आपके छत्ते का सम्मान करने और कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करता हूँ, ब्रूनो ने कृतज्ञता पूर्वक कहा। उस दिन से ब्रूनो और बेला के बीच एक अप्रत्याशित दोस्ती बन गई। ब्रूनो अक्सर छत्ते का दौरा करता था और बेला उसके साथ बेहतरीन शहद साझा करती थी। बदले में ब्रूनो छत्ते को अन्य जानवरों से बचाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बेला और उसकी साथी मधुमक्खियां शांति से काम कर सकें। उनकी दोस्ती जंगल में चर्चा का विषय बन गई और जानवर भालू और मधुमक्खी के बीच के बंधन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ब्रूनो और बेला की कहानी ने सभी को सिखाया कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और समझ और सम्मान सबसे अप्रत्याशित दोस्ती को भी जोड़ सकता है।